धामपुर में छात्र को गोली मारने वाला गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद। बात करने से इनकार करने पर मारी थी गोली। बिजनौर में कल ट्यूशन पढ़कर लौट रही छात्र को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ के बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। पूरा मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के मिलक पुरनपुर की रहने वाली हाई स्कूल की 16 वर्ष छात्रा कल देर शाम ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। उसी दौरान एक युवक ने उसको गोली मार दी थी। पुलिस ने घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था। घायल छात्र का कहना है कि आरोपी गजेंद्र मुझसे बात करना चाहता था, मैंने बात करने से मना कर दिया था। पुलिस ने आज गोली मारने के आरोपी गजेंद्र पुत्र दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और 4 कारतूस बरामद कर लिए है। साथ ही उसके खिलाफ 307 354 एक्ट में केस दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। एएसपी बोले, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एएसपी पूर्व धर्म सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। Thank you.